हेलो बच्चों, मैं रंजीत दांगी। आज हम हिंदी मीडियम के क्लास 5th का चैप्टर 4th लेकर आए हैं, जिसका नाम है द लिटिल प्लांट। द लिटिल प्लांट का मीन्स है छोटा पौधा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन येलो येलो कलर में, यहाँ पर सॉरी ग्रीन नहीं, येलो येलो कलर में यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट होते हैं वो किस टाइप से ग्रोथ करते हैं, किस टाइप से बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, हाउ डज इट ग्रो? तो ये कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कैसे बढ़ते हैं, किस टाइप से बढ़ते हैं, तो उस टाइप पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना। और डू यू नो, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लांट्स हैव फीलिंग, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं ना, उनमें भी क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर है द लिटिल प्लांट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन द हार्ट ऑफ अ सीड वेरी डीप सो डीप, ओके, है ना, कि जो सीड्स होता है ना, उसके दिल में, मतलब उसके हार्ट में इतनी गहरे दफन, इतने गहन, ठीक है ना। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट असली, कब है यहाँ पर जो लिटिल प्लांट है ना, वो इतना प्रिय लगता है। कब प्रिय लगता है? जब वो फास्ट असलीप में होता है। असलीप का मतलब जब वो लेटा हुआ होता है नींद में, तब वो इतना प्रिय लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेक सेट द सनशाइन, सनशाइन मतलब यहाँ पर सनशाइन का मतलब है धूप। धूप उससे कहती है कि जागो एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट को क्या करो, रौंदो। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, ठीक है ना, और जो लाइट को क्या करो तुम, रौंदो। वेक वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और बारिश की बूंदें इतनी उज्ज्वल उज्ज्वल भाषा में कहती हैं, ठीक है ना, वॉइस में कहती हैं कि जागो द लिटिल प्लांट हियर। जब लिटिल प्लांट इनको सुनता है, एंड रोज टू सी, और वो इनको देखने के लिए जब वो बढ़ता है आगे, ठीक है ना, उठता है, अपने आप को जन्म लेता है, और वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, जब वो यह देखने के लिए कि जो संसार है, इसके ये संसार है कितना चमत्कार है, कितना चमत्कारी है देखने के लिए, जो जो सीड्स होता है, ठीक है ना, जो सीड होता है वो क्या करता है, इनको देखने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब पैदा होता है, उपस करता है। तो इस टाइप से ये क्या हो जाती है, हमारी पोएम फिनिश्ड हो जाती है। इसको हमने क्या कर लिया है, रीडिंग कर लिया है। ये किसने लिखी है? तो ये KL ब्राउन ने इसको लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंक पिंक कलर में यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है कि नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। तो जो प्रकृति होती है ना, वो भगवान की एक क्या है, एक कलात्मक कृति होती है, ठीक है ना। नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया है, इस चैप्टर की रीडिंग कर ली है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे इसकी, तो उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।